बीजेपी ने यूपी में अपना सबसे बड़ा पत्ता आज खोल दिया। आजमगढ़ से भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ अखिलेश यादव को चुनौती देंगे, तो वहीं रायबरेली में सोनिया गांधी का मुकाबला दिनेश प्रताप सिंह करेंगे और मुलायम सिंह के खिलाफ प्रेम सिंह शाक्य दाव लगाएंगे। इस बात के संकेत पहले से ही थे कि दिनेश लाल निरहुआ अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी के तरूप का पत्ता होंगे। अब अखिलेश के लिए निरहुआ की चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होगा, क्योंकि आजमगढ़ ही नहीं पूरे भोजपुरी इलाके में उनकी लोकप्रियता चरम पर है। कहां तो अखिलेश आजमगढ़ अपने पिता मुलायम सिंह की सीट से चुनाव लड़कर एक बड़ा मैसेज देने गए थे, लेकिन अब वे बीजेपी की तरफ से बिछाई गई निरहुआ जाल में फंस गए हैं। बिरहा गायक निरहुआ हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के तुरंत बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, उसके बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई। मतलब बीजेपी के दो दिनेश एक साथ सोनिया और अखिलेश का मुकाबला करेंगे। रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस के एमएलसी रह चुके हैं। वे हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, लेकिन आजमगढ़ के चुनाव को बीजेपी ने दिलचस्प बना दिया है। 2014 में यहां से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे और बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। कांग्रेस यहां अपना उम्मीदवार नहीं देगी, इसलिए मुकाबला सीधा और कड़ा होगा। गाजीपुर के रहने वाले निरहुआ को मात देना अखिलेश के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उनको चाहने वाले आजमगढ़ के हर गली में हैं, जो दिन रात निरहुआ के गीत गुनगुनाते रहते हैं। अगर निरहुआ के गीत आजमगढ़ के लोगों की जुबान पर चढ़ गए तो फिर सपा चीफ अखिलेश को यहां से एक बुरी खबर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।